व्याख्या कल पूरी नहीं हो सकी थी, अतः कल के आगे आज फिर प्रारंभ होगी। कल मैंने आप लोगों को यह बताया था कि बंधन और मोक्ष का कारण केवल मन ही है, अतएव मन ही को संबोधित करके यह तत्वज्ञ कहता है कि क्षणभंगुर वैराग्य निंदनीय है। वैराग्य शब्द का अर्थ भी किया गया था संसार में न अनुकूल भाव से राग हो न प्रतिकूल भाव से राग हो, ऐसी अवस्था का नाम वैराग्य है। वो वैराग्य दो प्रकार का बताया गया, एक मिथ्या वैराग्य एक सत्य वैराग्य। मिथ्या वैराग्य की परिभाषा भी बताई गई, यदि हम धन पुत्र मित्र स्त्री पति प्रतिष्ठा के अभाव में ज्ञान प्राप्त करते हैं विरक्त होते हैं तो ये है संसार से वैराग्य नहीं है, अपितु संसार के अभाव से वैराग्य है। संसार से वैराग्य का अभिप्राय ये है कि संसार हो, उसके धन भी हो, मित्र भी हो, पुत्र भी हो, स्त्री भी हो, पति भी हो, प्रतिष्ठा भी हो, रूप भी हो, गुण भी हो, बुद्धि भी हो, बल भी हो, संसार के समस्त ऐश्वर्य हो और उनमें मन का अटैचमेंट ना हो, यह वैराग्य। और कोई वस्तु है ही नहीं तो ये वैराग्य नहीं है, मजबूरी। नारी मुई गृह संपत्ति नासी मुड़ मुड़ाए भय सन्यासी, ये वैराग्य नहीं विवशता, ये अनुराग की ही एक बिगड़ी हुई अवस्था है, छल कपट वाली अवस्था है। अस्तु, अब आज सत्य वैराग्य पर विचार कर रहे हैं। सत्य वैराग्य चार प्रकार का होता है, साधन वैराग्य, व्यतिरेक वैराग्य, एकेन्द्रियत्व वैराग्य, वशीकार वैराग्य। दर्शन शास्त्रों में चार प्रकार के वैराग्य का निरूपण है। इन चारों में प्रमुख दो है, साधन वैराग्य वशीकार वैराग्य, शेष दोनों बीच की अवस्थाओं के नाम विशेष हैं। साधन वैराग्य माने जिसमें ज्ञान युक्त होकर अनुकूल एवं प्रतिकूल भाव से संसार की आसक्ति को हटाया जाए, अर्थात परिश्रम किया जाए विवेक के द्वारा। संसार में सुख नहीं है क्यों, इस तरह, इसलिए संसार में अटैचमेंट गलत। संसार में दुख भी नहीं है क्यों, इस प्रकार, जैसा कि मैंने कल बताया, इसलिए संसार से द्वेष भी न किया जाए। इस प्रकार विवेक के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, विचार के द्वारा यदि वैराग्य धारण किया जाता है, अभ्यास किया जाता है, तो यह साधन वैराग्य कहलाता है। सर्वप्रथम इसी वैराग्य को अपनाना होता है। फिर जो जो हम आगे बढ़ते जाते हैं त्यों त्यों व्यतिरेक वैराग्य और एकेन्द्रियत्व वैराग्य मिलता है। और जब ये साधना वैराग्य वाली समाप्त हो जाती है, सिद्धावस्था को प्राप्त हो जाता है वो जीव, तब वशीकार वैराग्य प्राप्त होता है।
साधन वैराग्य माने वैराग्य की साधना करना, प्रैक्टिस करना, और वशीकार वैराग्य अंतिम, उसका अर्थ क्या, स्वभावतः संसार से राग द्वेष मिट जाना, नेचुरल, यानी वैराग्य करना साधना, वैराग्य होना, ये वशीकार वैराग्य, इसी को सहज वैराग्य भी कहते हैं। सहज विराग रूप मन मोरा, सहज वैराग्य यानी करना न पड़े, अपने आप हो। जैसे इस समय आप लोगों का संसार में लगाव सहज है और ईश्वर में अनुराग आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। जब ईश्वर में अनुराग पक्का हो जाएगा तो ईश्वरीय अनुराग को सहज अनुराग कहा जाएगा। जैसे आप पहले पहल शौक से चाय पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, शराब पीते हैं, ये साधन है, और जब पीते पीते अभ्यस्त हो गए और उसके बिना रहा न जाए ऐसी अवस्था पर पहुंच गए तो ये सहज अवस्था कहलाती है। बोलने की भाषा में वस्तुतः तो सहज वैराग्य या सहज अनुराग का अर्थ कुछ और है। सहज अनुराग माने वो दिव्य प्रेम जो अंतःकरण शुद्धि के बाद शिष्य को गुरु के द्वारा मिलता है, वो सहज अनुराग है। उसी सहज अनुराग को पाने पर ही सहज वैराग्य होता है, ये रसिकों का सिद्धांत है, और इसके पहले जो मैंने बताया ये दार्शनिकों का सिद्धांत है। हैबिट को नेचर कहना, इतनी अधिक प्रैक्टिस हो जाए कि वो अपने आप होने लगे, उसको सहज वैराग्य कहते हैं। लेकिन रसिक लोग कहते हैं नहीं, जब तक माया का बीज है तब तक न सहज अनुराग है न सहज विराग है। जब ईश्वर प्राप्ति हो जाएगी वो कब होगी, जब दिव्य ईश्वरीय प्रेम मिलेगा। तो जब वो दिव्य प्रेम मिलेगा तब सहज अनुराग, तत्काल ईश्वर प्राप्ति, उसी क्षण सहज अनुराग, उसी क्षण सहज विराग। खैर छोड़िए सहज विराग की बातों से अभी आपको क्या मतलब, अभी तो साधन वैराग्य पर ध्यान देना है। साधन वैराग्य, अगर आप कहें कि साधन वैराग्य की भी क्या आवश्यकता है, हम केवल साधन भक्ति पर ध्यान दें, हाँ बिल्कुल ठीक है, लेकिन साधन भक्ति पर ध्यान न जाए तो क्या करें। अगर किसी का साधन भक्ति पर ध्यान जम गया, उसको वैराग्य के विषय में न कुछ थ्योरी जानना है न कुछ सोचना है, ठीक, लेकिन पहले पहले ऐसे कैसे हो जाएगा। जब आप ईश्वर की भक्ति करने चलते हैं तो आपका पुराना अभ्यास, संसार की आसक्ति वाला, वो बाधक बनकर सामने आता है। तो उस बाधा को मिटाने का उपाय भी आपके पास होना चाहिए, अन्यथा तो आप हार जाएंगे। ईश्वर में मन लगता नहीं और संसार से मन हटता नहीं, अतः हमसे तो कुछ होता नहीं। इसलिए यदि ईश्वर में आपका मन न लगे तो उस समय कौन सा शस्त्र आपको काम में लाना होगा, यही साधन वैराग्य। अर्थात जब आपका मन ईश्वर में न लगे और संसार में जाए, उस समय विवेक के द्वारा, बुद्धि के द्वारा मन को डांटो, कहां जा रहा है, वही जहां पहले थे, वहां क्या है, क्या है, यहां भी तो कुछ नहीं मिल रहा है, अरे यहां वर्तमान काल में नहीं मिल रहा है, भविष्य में तो मिलेगा,
लेकिन वहां तो अनंत युग बीत गए, कुछ न मिला न अनंत काल आगे भी कुछ मिलेगा, क्योंकि वहां आनंद या शांति सुख कुछ है ही नहीं, कप्रश्ते ही नहीं है। तू सुख के लिए सब कुछ करता है, अपने सुख के लिए प्रयत्न करता है, तो तेरा सुख संसार में कहां है? क्योंकि संसार मटीरियल है और तू स्पिरिचुअल है, तू ईश्वर का अंश है, संसार माया का अंश है। तो तेरा सब्जेक्ट, तेरा विषय माइक नहीं हो सकता। स्पिरिचुअल मैटर का विषय, आध्यात्मिक तत्व का विषय आध्यात्मिक ही होगा। तेरी आंख प्राकृत है, ये ठीक है, तेरे कान प्राकृत है, तेरी नासिका प्राकृत है, तेरा मन भी प्राकृत है, तेरी बुद्धि भी प्राकृत है, ये ठीक है, लेकिन तू प्राकृत नहीं है और तू अपना सुख चाहता है। अतएव अनंत कोटि ब्रह्मांड में यावन मात्र साम्राज्य श्री है, वो मटीरियल होने के कारण, प्राकृत होने के कारण आत्मा का विषय ही नहीं बन सकता। यत् पृथिव्यां ब्रीहिवं हिरण्यं पशवस्त्रियः नालमेकस्तु परजाप्तम्। अनंत कोटि ब्रह्मांड का वैभव यदि एक व्यक्ति को ही दे दिया जाए, बाकी सबसे छीन लिया जाए, तो भी उसकी उस वर्तमान अवस्था में जहां पर वो खड़ा था, एक परमाणु भी अंतर अच्छाई में नहीं होगा, बुराई में अवश्य होगा, मदांद हो जाएगा, नशे में हो जाएगा। श्रीमद वक्रन कीन के ही प्रभुता बधिरन काही, बेहोश हो जाएगा और हानि होगी, लाभ नहीं होगा, शांति नहीं मिलेगी, अशांति मिलेगी। हाँ, एक बार यदि शांति मिल जाए, फिर आपको वैभव मिले तो कोई डेंजर नहीं। एक बार आपके मन को भगवत रस मिल जाए, फिर अनंत ब्रह्मांड आपकी खोपड़ी पर लाद दिया जाए, तो भी कुछ भी हानि नहीं हो सकती। भरत ही हो इन राज मद विधि हरि हर पद पाय। भरत ने रामरस चख लिया, इसलिए ब्रह्मा की सीट, जो ब्रह्मांड की सबसे बड़ी सीट है, यदि वो भी मिल जाए भरत को, तो भी कुछ असर न होगा, क्योंकि सबसे बड़ी चीज उसके पास आ गई है। अब छोटी चीज की ओर क्यों देखेगा कोई? अगर किसी थाली में रसगुल्ला भी रखा हो, एक मिट्टी का ढेला भी रखा हो, एक गोबर का लड्डू भी रखा हो, तो रसगुल्ला की ओर ही सब लोग देखते हैं, जबकि सब मटेरियल है। तो जब स्पिरिचुअल हैप्पीनेस किसी को मिल जाएगा, दिव्यानंद मिल जाएगा, तो प्राकृत सुख की ओर उसकी दृष्टि ही क्यों जाएगी? उसका प्रश्न ही नहीं पैदा होता। एक बार आप दूध को जमा लीजिए, दही बना लीजिए, फिर उसको एकांत में मथ डालिए, फिर उससे मक्खन निकाल लीजिए, फिर मक्खन को पानी में डाल दीजिए, चैलेंज कर दीजिए पानी को। अब पानी मक्खन को अपने में नहीं मिला सकता, लेकिन अगर आपने दूध की अवस्था में ही पानी में डाल दिया दूध को, तो दूध और पानी एक हो जाए। यानी ईश्वरीय अनुराग पा लेने के पश्चात कोई भी संसार का पदार्थ हानिकर नहीं, लेकिन यदि ईश्वरीय पावर नहीं है, तो संसार का एक भी पदार्थ आपके लिए हानिकर है। उससे बचने के लिए सावधानी बरतनी होगी, उसके लिए विवेक की आवश्यकता होगी, संभल संभल कर फूक फूक कर कदम रखना होगा, लापरवाही से नहीं चलना होगा। एक एक कदम पर डेंजर है, बड़े बड़े खतरे। अब ऐसे खतरे हैं जो अपने आप को नहीं पता चलते। कोई भी व्यक्ति जो गलती करता है, उसको अपनी बुद्धि से कभी भी यह तय नहीं हो सकता कि मैं गलती कर रहा हूं।
अगर आपकी बुद्धि से आप सोचेंगे संसार में मेरी आसक्ति कहीं है, कहीं नहीं। जजमेंट अपने आप अपने मुआफिक देती है, बुद्धि खिलाफ नहीं दे सकती। आप कोई गलत काम कर रहे हो, मां को डांट रहे हैं, गुरु की निंदा कर रहे हैं, कोई गलत काम आप कर रहे हैं, अब कोई समझावे अरे उस मां ने पैदा किया है, इतनी उसने सेवा की है, तो डांटता है, शर्म नहीं आती। आप कुछ नहीं समझते, मेरी मां इसी काबिल है। और जब थोड़ी देर बाद वो नॉर्मल होगा तो सोचेगा अरे मैंने इतना गलत काम किया, लोक विरुद्ध अकृतज्ञ होना, उसके विरुद्ध परलोक विरुद्ध, ये मैंने काम कैसे किया, मैं भी क्या गधा हूं। लेकिन उस समय कर जाएगा, क्योंकि उस समय उसकी बुद्धि का जजमेंट है कि ऐसा करो, इसलिए बुद्धि अपने जजमेंट के खिलाफ जजमेंट नहीं दे सकती। इसलिए किसी को पता नहीं चलता मैं क्या गलती पर हूं, कौन सी गलती कर रहा हूं। तो संसार के अनंत वैभव भी मिलकर भी उस रस के पालने वाले पर हावी नहीं हो सकते, लेकिन साधन वैराग्य की अवस्था में तो जब आप ईश्वर का ध्यान करने चलेंगे तो मन में जगत आ जाएगा पुराने अभ्यास के कारण। और उस समय यदि आप साधन वैराग्य का शस्त्र हाथ में नहीं लेंगे तो आप निराशावादी हो जाएंगे, हमसे तो ईश्वर की उपासना नहीं होगी, नहीं होगी तो फिर नरक मिलेगा, नरक कैसे ही, फिर आप यहां पहुंच जाएंगे। इसलिए साधन वैराग्य की आवश्यकता पड़ती है प्रारंभ में। इसलिए ऐसा मत सोच लीजिएगा आप लोग ये तो फालतू विषय है, अपने को इससे क्या मतलब, अपने को तो राधे राधे गोविंद बोलो से मतलब है। लेकिन राधे राधे गोविंद बोलो रे से ही मतलब अगर आपका बन गया है, ऐसी अवस्था आ गई है, तो फिर ठीक है, कोई आवश्यकता नहीं, सही। लेकिन अगर गड़बड़ में कभी पड़ने लगे तो संभलने के लिए ये हथियार रखे रहिए, कोई हानि नहीं करेगा। और भाई कोई प्रयोग में हथियार डेली तो आता नहीं, बदमाशों से बचने के लिए हमारे गांव में लोग लठिया और कोई भाला, कोई बच्छी, कोई तलवार, कोई रिवाल्वर, कोई बंदूक रखे रहते हैं। इसका मतलब नहीं चलाते रहते हैं हमेशा, अरे अगर जरूरत पड़ गई तो उपयोग हो जाएगा, नहीं पड़ी तो रख ही रहेंगे, अपना क्या बिगड़ता है। क्योंकि अगर जरूरत पड़ गई तो उस समय आप क्या गुरु के पास भागेंगे, अरे गुरु जी बताओ मैं क्या करूं, तब तक तो प्रहार हो जाएगा। इसलिए ऐसा न सोच लीजिएगा कि अनावश्यक विषय है। हाँ बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन प्रवेशिका के क्लास वालों के लिए कुछ आवश्यक अवश्य है कि जब मन संसार की ओर भागे उस समय तुरंत डांट लगाओ, कहाँ जा रहे हो, वहां न सुख है न दुख है, तुम क्या चाहते हो, सुख की दुख। मैं तो सुख चाहता हूं, तो सुख संसार में नहीं। अगर कोई कह लो मैं दुख चाहता हूं, अब तो मैं जाऊं वहां दुख भी नहीं है, किसने आपसे कहा संसार में दुख है। आप जिस वस्तु में सुख मान लेते हैं उसी के वियोग में दुख होता है। यदि आप किसी वस्तु में सुख न माने तो किसी वस्तु के वियोग में दुख मिलने का सवाल ही नहीं। आपका बेटा मरता है आप रोते हैं, और पड़ोसी सुनता है क्या हुआ भाई, श्रीवास्तव का बेटा मर गया, राम 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 राम, अभी जवान बेटा मर गया, बस ये कह दिया छुट्टी हो गया, अपना काम हो रहा है, जो हो रहा है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, काम नहीं बंद होगा, न कोई अफसोस भीतर से हो रहा है, क्योंकि उससे हमारा कोई स्वार्थ नहीं। यदि आप संसार के प्रत्येक पदार्थ में निश्चय कर ले रसगुल्ले में सुख नहीं है, अमुक वस्तु में सुख नहीं है, क्योंकि हर वस्तु में अटैचमेंट आपको सिखाया गया है, आप जब पैदा हुए थे तब से हर एक वस्तु में अटैचमेंट करना सिखाया गया, उसकी साधना कराई गई है, माँ ने, बाप ने, बेटे ने, भाई ने, अनेक लोगों ने मिल करके आपकी ये हेल्प की इस प्रकार की कि आपको बिगाड़ दिया। अब आप उसको फिर ठीक कीजिए और उसी बाल्यावस्था पर फिर पहुंचिए, उसी का नाम वैराग्य। माँ की गोद में चला गया बच्चा, ठीक है, मासी की गोद में वो भी ठीक है, दुश्मन की गोद में वो भी ठीक है,
वो तुरंत का पैदा हुआ बच्चा कुछ जानते नहीं क्या बलाए है माँ, क्या बलाए है बाप, क्या बलाए है परिवार, क्या है ममता, क्या है आसक्ति, कोई मतलब नहीं। अब उसको हम सिखा सिखा करके ए, मैं तेरी मम्मी हूँ, ये तेरे डैडी है, ये तेरी बहन है, ये तेरा भाई है, तो और बड़ा हुआ तो देखो कितनी आसक्ति ममता उस बच्चे में हो जाती। छोटा सा बच्चा तोतली भाषा में बोलने वाला भी पड़ोसन के यहाँ जाता है जब मेरे घर में, मेरे घर में, और अगर कहीं चाकू भी दिखाई पड़ गया पड़ोसी के घर में, मम्मी वो अपना चाकू था ना तो पड़ोसी के यहाँ मैंने देखा है। ये ममता उसको सिखाई गई, बताई गई, प्रैक्टिस कराई गई, अपने आप नहीं हो। और फिर अनंत जन्मों की प्रैक्टिस है तो फिर भला बताओ, खुदा खैर करे, जब थोड़े दिन की सिगरेट बीड़ी की प्रैक्टिस, चाय की प्रैक्टिस आपको परेशान करती है, देखो हाँ? चार बजा और घंटी बजी तो जगत गुरु के बाप भी बैठे हो सामने, तो छोड़ो जी अपन पहले चाय पियो, चाय के बिना कैसे काम मिलेगा। एक दिन जानबूझ करके मैं 4 बजे यहां बैठा हुआ था, ऐसा भागे लोग अबाउट टर्न होकर के कि क्या मिलने वाला है, जल्दी जल्दी दौड़ करके गिलास लेके अपना अपना पहले चाय पीना है जी। वो थोड़े दिन के अभ्यास में जब स्थिति है तो अनंत जन्मों का अभ्यास जब संसार में प्यार या हार दोनों करने का है तो फिर उसका रिएक्शन तो होगा ही, कुछ तो उसका परिणाम हमारे सामने अभ्यास में आने के कारण अपने आप आएगा। तो घबराना नहीं चाहिए, ये क्यों हो रहा है, अरे तुम्हारा किया हुआ हो रहा है और क्यों हो रहा है, ये तुम्हारी कमाई तो है, तुमको मिल रही, घबराते क्यों, कंट्रोल करो। साधना का मतलब ये नहीं है कि होना है। आप सब लोग समय समय पर यह वाक्य बोलते हैं अपने गुरुओं से या अपने दोस्तों में, हमारा तो मन भगवान में लगता ही नहीं, लगता, ये लगना तो सिद्धि है। शास्त्र वेद संत तुमको मन लगाने के लिए कहते हैं, ये किसने कहा है कि मन लगता है, अरे मन लग जाए तो तुम्हें करना क्या रह जाए, फिर तुम तो महापुरुष हो गए। तुम मन लगाना साधना है, मन लग जाना ये सिद्धि है। पहले प्रैक्टिस, फिर उसके बाद नेचुरलिटी आती है। पहले अभ्यास करो, फिर उसके बाद हैबिट में आ जाएगा वो, तो फिर अपने आप होने लगेगा। कोई भी काम करवट बदलने में भी आप लोगों ने लाखों बार प्रयत्न किया है तब आपने करवट बदलना सीखा था लड़कपन में, फिर बैठना सीखने के लिए आपको लाखों बार प्रयत्न करना पड़ा, फिर खड़े होना सीखने के लिए प्रयत्न करना पड़ा, तो फिर ईश्वरोपासना में थोड़े से प्रयत्न में निराशा क्यों। और अगर निराश होते हो तो उस समय यही विवेक काम देगा, अच्छा मन ईश्वर से थक गया तू, तो जा कहाँ रहा है, वही अपने पुराने घर संसार में, वहां तो सुख भी नहीं दुख भी नहीं, हाँ वहां तो सुख भी नहीं दुख भी नहीं, तो फिर कहाँ जाएगा, तो फिर लौट के आएगा। बंदर होता है ना, जिन बंदरों को आप देखते हैं चलते कूदते पेड़ों पर, घरों पर, इन बंदरों को जब नट सिखाता है तो उसकी एक तरकीब होती है। वो क्या करता है, एक 50 फुट की रस्सी लंबी, उसी में बंदर को बांध देता है। अब बंदर की तो उछलने कूदने भागने की आदत है, तो इसलिए उसको 50 फुट की रस्सी दिया कि तुम उछलो कूदो, क्योंकि अगर उछलना कूदना तुम्हारा एकदम बंद कर देंगे तो हार्टफेल हो जाएगा, मर जाओगे तुम। इसलिए 50 फुट के एरिया में वो उछलता कूदता है, और जो 50 फुट के आगे भागना चाहता है तो गर्दन में जो रस्सी पड़ी है उससे दर्द होता है, तो फिर खड़ा हो जाता है, चारों ओर इसी प्रकार भागता है, लेकिन जब गले में रस्सी पड़ी है दर्द हुआ फिर खड़ा हो जाता है। तो काफी देर बाद सोचता है कि ये जो एरिया है 50 फुट का, इसके आगे जाना बेवकूफी है, जा सकते नहीं, अपने शरीर को कष्ट देना है, कोई लाभ नहीं।
तो उसे 50 फुट में उछलता कूदता है केवल, ये बोध हो जाता है उसको कि 50 फुट के आगे हमारा एरिया नहीं रहा, मजबूरी है जो कुछ भी है। फिर उसको 40 फुट में, फिर 30 फुट में, फिर 25 फुट में, फिर 10 फुट में, फिर 2 फुट में लाके जब बंदर कर को कर देता है नट, तो बंदर बैठ जाता है। बेकार है दौड़ना भागना, अब कहीं गति नहीं है, अब यही रहना है। ठीक है भाई, तो इस प्रकार मन को डांट डांट करके, समझा समझा करके, तत्व ज्ञान युक्त विवेक से संसार से फिर हटाना पड़ता है, तब ईश्वर में लगाना पड़ता है। तो हटाना ये पहला वर्ग, लगाना ये नंबर 2 का वर्ग। ध्यान दो इस पॉइंट पर, एक स्वाभाविक बात सोचने की है कि क्योंकि पहले भगवान में मन लगावे कि पहले संसार से हटाओ, तो आप लोग सोचेंगे कि भगवान में लगा दो संसार से अपने आप हट जाएंगे। अरे बात तो बिल्कुल ठीक समझ में आती है, लेकिन आपने जरा गहराई से नहीं सोचा कि अगर आपका मन न्यूट्रल होता, न संसार में लगा होता न भगवान में लगा होता, ऐसी पोजीशन में अगर आपका मन होता तो फिर ईश्वर में लगाने में तो ठीक है, कोई मेहनत नहीं है, और आपका वो फार्मूला ठीक है कि ईश्वर में लगा दो बस संसार से अपने आप हट गया। लेकिन चूंकि संसार में अटैच है, पहले से संसक्त है, इसलिए पहला काम होगा संसार का बोध, संसार का ज्ञान। ठीक ठीक, हम संसार में जो भाग दौड़ में पड़े हैं क्यों, इसकी साइंस क्या, इसका रहस्य क्या, इसकी गहराई में जाना होगा। जब आपका यह ज्ञान परिपक्व होगा तब आपका संसार से मन कुछ कुछ विरक्त होगा। ध्यान दो फिर यहीं पर, जितनी जितनी लिमिट में संसार से आपका मन विरक्त होगा, बस उतनी उतनी लिमिट में ही ईश्वरीय भूख लगेगी। भगवत प्राप्ति में कुछ भी नहीं धरा है, और अगर धरा है तो बस यही धरा है कि संसार से हमें अभी वैराग्य नहीं हुआ, अर्थात संसार में सुख है ये हमारा फेथ, ये हमारा विश्वास अभी बद्धमूल है, इसकी गहरे जड़ी, जड़ें गहरी है इसकी। अभी यह ज्ञान हमारा बड़ा पक्का बना हुआ है कि संसार में सुख है, मेरा बाप खराब है, मेरा बेटा खराब है, मेरी माँ खराब है, मेरी बीवी खराब है, मेरा भाई खराब है, बाकी सब अच्छे होंगे, ये अभी कंफ्यूजन है। और जब उसकी ओरिजिनल रूप को जान लेगा, नर्मदा के कंकर सब संकर, इस विश्व में जितने भी पर्सनैलिटी माया के अंदर में है, वे अपने अपने स्वार्थ के लिए ही प्रयत्न करती हैं, अतएव उन सब का एक ही रूप, उसकी बीवी, उसका बेटा, उसका बाप, ये कुछ नहीं, सब एक से, कोई अंतर नहीं। हाँ, बाप के घर में पड़ोसी की लड़की आती है और एक्टिंग करती है, माताजी मैं आपका स्वेटर बुन दूं, माताजी मैं आपका ब्लाउज सी दूं, तो वो माताजी भी बोर हो जाती है, पड़ोसिन की लड़की कितनी अच्छी है, और एक मेरी बिटिया है सिलाई जानती है, मैं 10 दिन से कह रही हूँ सीती नहीं, और पड़ोसिन की लड़की जो हो आई आज और कह रही थी कि माताजी मैं ब्लाउज सी दूं, अगर ये मेरी बहू हो जाती तो कितना अच्छा होता। मान लो बाई चांस हिसाब बैठ गया और उसके बेटे की उस लड़की से ब्याह भी हो गया, अब बहू बन के आ गई। अब जब बहू बन के आती है कोई स्त्री, आप लोगों को सबको अनुभव होगा बहुतों को, तो किस प्रकार वो परम देवी का रूप धारण करके या घर में घुसती है, परम शांत, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष से रहित, महात्माओं को भी नीचे कर दिया उसने, ये पोजिशन होती है। हो? निंदा अस्तुति उभय सम, सब बराबर, कोई तारीफ कर रहा है, कोई बुराई कर रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई सास को ताने मार रहा है, कोई ससुर को मार रहा है, उसने कुछ नहीं दिया, कोई कुछ कहता है, वो अपनी स्थिति में कोई बात नहीं बोलती, लेकिन 4 दिन बाद
फिर एबीसीडी शुरू होता है, फिर उसके बाद और आगे, फिर और आगे, उसके बाद फिर शास्त्रार्थ, फिर उसके बाद जानते ही है आप लोग वगैरह वगैरह क्या क्या होता है। यानी उसका जो रूप असली है वो धीरे धीरे प्रकट हो जाता है। तब आप कहते हैं अरे मैं तो ठगाई में आ गया, ये मैं तो समझता था ये बहु देवी है, एक चंडी निकली। अरे वो सब बहुए चंडी है, कोई एक दो की बात थोड़ी, दूसरी बहू ला के देख लो वो भी चंडी है। थोड़ा सा परसेंट का फर्क जरूर होता है, एक जरा चालाक है, एक बुद्धू है। जो चालाक है वो अपनी वाणी पर कंट्रोल करके पति को बेवकूफ बनाए रहती है, और जो बुद्धू टाइप की है वो जो भीतर वो बाहर फटाफट फटाफट लेके देती रहती है, तो घर में क्रांति होती रहती है। संसार चलाने के लिए व्यवहार कुशल होना चाहिए, जैसा कि सिद्धांत है, जो कुशल नहीं होता उसके घर में दिन भर खटपट होती है, जो व्यवहार कुशल होता है वो मधुरता से अपना काम चलाता रहता है तो खटपट कम होती है, लेकिन भीतर खटपट तो सभी जीव की सभी जीव के साथ है। वो स्त्री पति तो बाहर के कहीं के आकर के सात चक्कर लगा करके बने हैं, लेकिन सगे भाई बहन ही क्यों न हो एक माँ से पैदा हुए, वहां भी खटपट भीतर रहती है सब, क्योंकि सबके संस्कार अलग, रुचि अलग, विवेक अलग, संग अलग, अनेक प्रकार की इसमें बातें हैं जो सब अलग अलग होती है जीवों की। इसलिए दो की मैत्री असंभव है। थोड़ी देर को हो जाए, बशर्ते कि दोनों का स्वार्थ मिल जाए। बीवी के भी इच्छा है पिक्चर चले, पति के भी इच्छा है पिक्चर चले। पति ने कहा पिक्चर चले आज, बीवी ने कहा हो, दोनों खुश हो गए। अब इन दोनों में एक की इच्छा है एक की नहीं है, तो अब दूसरा चालाक जो होगा वो एक दिन में कहेगा हाँ हाँ चलो, और जो बेवकूफ होगा पिक्चर पिक्चर। कोई बताने की बात तो नहीं कि शास्त्र वेद में कहीं पढ़े हो, तो अपने उस अनुभव पर विचार करो गहराई से, तो फिर तुमको संसार से मन को पुनः ईश्वर की ओर ले जाने में कठिनाई नहीं होगी। फिर डांट करके चलो ये तुम्हारा एरिया नहीं, उधर चलो। ये अभ्यास और वैराग्य, ये दो चीज प्रमुख बताई गई इसीलिए दर्शन शास्त्र में। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधा, गीता में भी कहा गया अभ्यासेन उपगौंतेय वैराग्येण च गृह्यते। देखो दोनों जगह इच्छा लगाया, अभ्यासेन च कौंतेय वैराग्येण च गृह्यते। यानी अभ्यास और वैराग्य दोनों कंपलसरी। अभ्यासेन गृह्यते न, दोनों कंपलसरी है, क्योंकि भगवान में लगाने में आपको सफलता ही न मिलेगी यदि संसार से आप हटाने का हिसाब किताब नहीं समझते हो। और अगर संसार से कोई हटा ले और भगवान में लगाने की तरकीब नहीं मालूम है तो क्या करेगा मन को, क्या पेंडिंग में पड़ा रहेगा मन, और वो फिर संसार में चला जाएगा। मन ऐसी मशीन है जो एक क्षण को भी अकर्मा नहीं रह सकता, वो प्रतिक्षण वर्क करता है, उसका नेचुरल नेचर। तो अब आप मन को संसार से अगर हटाए, मेरी बीबी खराब, तो क्या कहेगा मन, उसकी बीबी अच्छी, मेरा बाप खराब उसका बाप अच्छा, मेरा घर खराब उसका घर अच्छा। देखो उसी एरिया में घूम रहा है, ये ज्ञान नहीं हुआ अरे वो अच्छा है, आत्मा का सब्जेक्ट वो है परमात्मा, संसार है ही नहीं है। अगर डॉक्टर से किसी मरीज ने पूछा, डायबिटीज के मरीज ने, मैं रसगुल्ला खा सकता हूं, ना ना बिल्कुल नहीं, छूना मत, खबरदार, ठीक है, चलाया घर में, उसने कहा पेड़ा खाओ, बर्फी खाओ, कलाकंद खाओ, हजारों मिठाई तो है, रसगुल्ला एक मत खाओ। और मिठाइयां खाया उसने, खा करके और डायबिटीज बढ़ गया उसका। डॉक्टर के पास गया, उसने कहा डॉक्टर साहब तो बीमारी बढ़ती जा रही है, आप क्या दवा दे रहे हैं। हैरान डॉक्टर कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, तुमने क्या खाया। हमने कहा आपने रसगुल्ला बिल्कुल नहीं खाया मैंने, पेड़ा खाया, बर्फी खाया, कलाकंद खाया।
अरे भले आदमी ये पेड़ा बर्फी कलाकंद क्यों खाया, इसीलिए तो बढ़ गया, फिर अधूरी बात रह गई। उसने कहा तो ठीक है, पेड़ा बर्फी कलाकंद रसगुल्ला चार को छोड़ेंगे, बाकी मिठाई खाएंगे। यही धोखा हम लोगों के साथ अनादिकाल से चल रहा है। अनंत बाप, अनंत बेटा, अनंत स्त्री, अनंत पति बना चुके, और हर बार ये धोखा होता रहा, और घूम घूम के उसी एरिया में चक्कर लगाते रहे, उसी मिठाई के एरिया में चक्कर लगाते रहे। स्पिरिचुअल एरिया में जाने का संकल्प, दृढ़ निश्चय नहीं किया। तो संसार से राग द्वेष रहित होना यानी उदासीन होना, ये कंपलसरी है, इसके बिना काम नहीं चलेगा। क्योंकि जिस मन को ईश्वर में लगाना है, उस मन को पहले जहां लगा है उससे हटाओ तो लगने में मेहनत थोड़ी है, ज्यादा मेहनत तो हटाने में, लगाने में कोई परिश्रम नहीं है, हटाने में सारा परिश्रम है। और हटाने में ये भूल कर न सोचना ये हमारे दुश्मन है, ना ना, अगर दुश्मन किसी को माना तो अटैचमेंट हो गया। जैसे अटैचमेंट दोस्ती का, वैसा ही अटैचमेंट दुश्मनी का होता है, दोनों का एक फल। कोई दुश्मन नहीं, कोई दोस्त नहीं, यहां हमारा सुख नहीं, बस सीधी सी बात, दुश्मन क्यों है कोई? आज ही उसने हमको ठगा, अरे ठगा वगा नहीं, तुमको क्या ठगेगा, तुम्हारे पास है क्या जो ठगेगा? वो उसको भी तो धोखा हुआ है, वो समझता था कि तुम्हारे पास आनंद है, तुम्हारे पास प्रेम है, लेकिन वो था नहीं, तो वो भी तो ठगाई में आ गया, तुमको कहां ठगा उसको? और जिसके पास आनंद और प्रेम है उसको अगर कोई ठग ले जाए तो अच्छा है, वो भी आनंद और प्रेम प्राप्त कर लेगा, और जिसके पास है उसके पास तो रहेगा ही, वो तो ठगवाने को तैयार है बैठा है महापुरुष, ठगो हमको सब लोग। वो हमारे संसार में अवतार ले लेकर के आते हैं संत लोग, हम गालियां खाते हैं, निंदाएं सुनते हैं, अपमान सहते हैं, क्यों? हमको ठगो सब लोग इस पेशे में, वरना किसी को भगवत प्राप्ति हो जाए, तुलसी हो, सूर हो, मीरा हो, कोई हो, अपने जा बोलो, इन कूड़ा कबाड़ा संसार के सामने क्यों आते हो? ये तो तुमको देखेंगे तो घूरेंगे, ये बाबा जी कैसे हैं ना देखे तो। किसी बाबा के बारे में कोई कुछ सुनता है, तारीफ या बुराई या कुछ भी नहीं सुना, तो जाएगा पहले उसके पास, दर्शन किया, नमस्कार किया, एक्टिंग, उसके बाद शरीर देखेगा, बाबा जी छोटे हैं, लंबे हैं, मोटे हैं, पतले हैं, गोरे हैं, काले हैं, बूढ़े हैं, बच्चे हैं, पढ़े लिखे क्या है, अंगूठा छाप तो नहीं कि बाबा जी हो गए खाने पीने के लिए, ये पढ़े लिखे तो हैं। अच्छा, अब इम्तिहान हो रहा है बाबा जी, एबीसीडी जो नहीं जानता है वो प्रोफेसर का इम्तिहान ले रहा है, तो बाबा जी भाग्यशाली होंगे तो पास हो जाएंगे, वरना रिजेक्टेड। और चलो जी, वो बाबा जचा नहीं, जचना किसमें था, बुद्धि में, बुद्धि कैसी है, माइक, माइक बुद्धि में जचेगा स्पिरिचुअल मैन, ये तो बहुत बड़ी भगवत कृपा हो तो जचे, पैमाने के अनुसार तो जचना ही नहीं चाहिए कोई भी महापुरुष किसी व्यक्ति की बुद्धि में, क्योंकि पैमाना उसके पास है माइक, और वो स्पिरिचुअल मैन है दिव्य, तो माइक बुद्धि से मायातीत पर्सनैलिटी को जांचने का सिस्टम ही गलत, साधन ही गलत कर रहे हैं आप, तरीका ही गलत है। और अगर कहीं महापुरुष ने थोड़ी सी एक्टिंग कर दी, अच्छा बेटा तुम्हारा इम्तिहान ले ले आए, अच्छा तुम्हारा इम्तिहान हम ले लेते हैं, चलो पहले ही पहले एक व्यक्ति एक बाबा जी के पास गया और उसने कहा कि देखो बेटा ऐसा है कि हमको तो एक कोठी बनवाना है, एक कार लेना है और वगैरह वगैरह, एक ब्याह करना है, तो बेटा ऐसा है कि तुम भी कुछ हेल्प करो। बाबा जी को ब्याह करना है, बाबा जी को कोठी बनवाना है, तो भाई अरे भाई हम सब समझते हैं बाबाओं को, आजकल कैसे बाबा घूम रहे हैं हमारे देश में, अरे हम बेवकूफ नहीं बन सकते। अच्छा बाबा जी नमस्ते, ठीक है हम सोचेंगे आपके बारे में, जरूर जरूर हम सहायता करेंगे जो कुछ मुझसे हो सकेगा, यथा शक्ति अभाव टर्न क्विक मार्ट बदमाश कहीं का बाबा बना हुआ है, जजमेंट हो गए।
अरे अनंत महापुरुष हम लोगों को मिल चुके हैं अनाधिकार से, अब तक की लाइफ में अनंत जन्म बीत चुके हैं हमारे, और हमने हमें जब जब महापुरुष मिले तब तक हमने अपनी बुद्धि लगाई, और किस कोई महात्मा 1% पास हुआ हमारे टेस्ट में, कोई 10%, कोई 90%, पूरा पूरा अगर कोई पास हो जाता तो फिर कंप्लीट सरेंडर हो जाता और फिर काम बन जाता, फिर झगड़े क्या रह जाता। और जिसको हम 100% भी मान लेते हैं अपनी बुद्धि में, 100% महापुरुष है, फिर थोड़ी देर में दिमाग में कुछ तमोगुण आ गया, रजोगुण आ गया, हाँ ये तो ठीक है लेकिन जरा लालची है, जरा क्रोधी है, जरा फिर अरे क्या सोच रहा हूं मैं, तो पाप है, गलत सोच रहा हूं मैं बड़ा काबिल बना हूं, अनंत कोटि ब्रह्मांड की काबिलियत मेरे अंदर है, सारे दोष तो भरे हैं, अल्पज्ञता के अंतिम सीमा पर मैं हूं, मुझे क्या अधिकार है निर्णय करने का, और फिर मैं भी तो सब दोषों से युक्त हूं, अगर वो भी दोष युक्त है तो चलो हमारे बराबर ही तो हुआ, हमें बुराई करने का क्या अधिकार है, बुरा बुरे को क्यों बुरा कहे, कोई महापुरुष हो और किसी बुरे को बुरा कहे, चलो हम मान लेते हैं ठीक है भाई तुम अच्छे हो ये बुरा है, और तुम 1000 गुना बुरे और तुमसे वो कम गुना बुरा है तो तुमसे तो अच्छा है ही है, सब भूल जाता है। तो अनंत बार भगवान के अवतार हमको मिले रामकृष्ण के, उनको हमने देखा, और महापुरुष भी अनंत बार मिले उनको देखा, सत्संग किया, और अपनी बुद्धि के प्रयोग के कारण तर्क वितर्क कुतर्क आदि के चंगुल में फंसकर, और कुछ उनके नाटक भी ऐसे होते, विलक्षण विलक्षण बातें, एक भी महापुरुष की बात बुद्धि के पैमाने पर नहीं घट सकती न भगवान। 16108 ब्याह कर रहे हैं, एक एक स्त्री के 10-10 बच्चे हो रहे हैं, 16108 × 10, एक आदमी की ये फैमिली पर्सनल है, और फिर इतने सारे बच्चे सबके सब आवारा निकल गए, भगवान के बच्चे और सबके सब आवारा, हाँ जी आश्चर्य है, ये भगवान के सब बीबियां महापुरुष हैं, हाँ सब मायातीत, और कौन बनेगा उनकी बीबी, तो भगवान की बीबी महापुरुष और भगवान स्वयं, भगवान पति और उनका बेटा इतना बदमाश है, एक दो नहीं सब के सब 100%। तो भगवान ने कहा अब इनको मरवा देना चाहिए, ये सब बदमाश आवारा निकल गए, ऐसा कुछ उपाय करें कि सब लड़के मर जाए आपस में, साप दिलवाया, दिलवा करके सबको समाप्त करवा दिया, अब अकेले फिर रह गए। कोई पूछे क्यों जी तुम्हारा दिमाग खराब है, अरे हम भगवान ने हमारा के दिमाग खराब होता तो फिर ये सब क्यों किया, अरे क्यों किया है मत पूछो, तुम नहीं समझ सकते सब क्यों किया है ये तुम मत पूछो, तुम्हारे एरिया की बात तुम समझने की चेष्टा करते हो वो भी नहीं समझते। जब दुनियावी गवर्नमेंट में इंडिया का कानून रशिया अमेरिका में लागू नहीं होता तो तुम्हारे लॉजिक तुम्हारे एक्सपीरियंस ईश्वरीय राज्य में कैसे लागू हो सकते, तुम नहीं समझ सकते। जब उस लेवल पर आ जाओगे तब कहोगे हा 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 आप समझे, वरना पहले तो हम समझते थे कि ये आसमान कोई चादर है उसमें बल्ब लगे, छोटे से जब थे तब ये समझते थे, और धीरे धीरे जब ज्ञान होता गया अरे ये तो लोक है, जैसे हमारी पृथ्वी है ऐसे ये है, इससे लाख गुना करोड़ गुना बड़े बड़े हैं, ये जो टिमटिमाते तारे दिखाई पड़ते, तो धीरे धीरे जब ज्ञान होता है तो अपने पुराने ज्ञान पर हंसता है, अरे मुझे तो कोई अकल नहीं। तो मनुष्य को अपनी हैसियत से ऊपर जाने का अधिकार शास्त्रों ने नहीं दिया, अगर कोई अनधिकार चेष्टा करेगा तो फेल हो, उसका परिणाम उसको भोगना पड़ेगा। तो संपूर्ण विश्व में न राग हो न द्वेष हो, क्योंकि ध्यान दो क्योंकि उस विश्व में ना सुख है ना दुख है, ये तत्व ज्ञान सदा साथ रहे, वो मिथ्या वैराग्य नहीं काम देगा कि धन नष्ट हुआ, स्त्री नष्ट हुई, पति नष्ट हुआ तो हमने कह दिया राम नाम सत्य है, और जो फिर मिल गया
तो फिर लक्ष्मी पूजा होने लगी। अभी दिवाली आ रही, इसमें बैठे हुए भी कुछ लोग पूजा करते होंगे लक्ष्मी की। अरे दो ही चार है लेकिन करते हैं, जरा उनसे पूछो लक्ष्मी कौन थी। लक्ष्मी कौन थी? एक लक्ष्मी तो सुनते हैं भगवान की बीवी का नाम है, कमला लक्ष्मी श्री भगवान की अर्धांगिनी, उन्हीं की पूजा करते हो। और तुम तो लक्ष्मी की पूजा करते हो पैसा समझ करके, संपत्ति समझ करके। हाँ हाँ वही वही वही। अरे और कहां तक के लोहा लंगड़ा लक्कड़ पत्थर की पूजा होती है दिवाली के दिन, जो कपड़ा बेचते हैं जो उनके नापने का होता है ना मीटर वगैरह, उसकी भी पूजा करते हैं। ये क्या है भाई? ये लक्ष्मी है, ये वही भगवान की अर्धांगिनी है, इनकी पूजा कर रहे हो? नहीं नहीं, फिर भाई संपत्ति माने रुपया पैसा सभी उसमें आ गया, तो रुपया पैसा ये लक्ष्मी है कि भगवान की अर्धांगिनी लक्ष्मी है? हम तो दोनों के एक ही समझते हैं। तो ये रुपया पैसा तो नश्वर है, लक्ष्मी भी नश्वर है। भगवान को कोई स्त्री नहीं मिली, तुम्हारी स्त्री कम से कम चैतन्य है और हमेशा साथ रहती है, भगवान की स्त्री ऐसी मिली कि वो जड़, क्योंकि रुपया पैसा तो जड़ पदार्थ है नहीं, यानी इस माया रूपी शक्ति को वो लक्ष्मी के नाम से पुकारते हैं और सारा देश पूजा कर रहा है और पंडित लोग पूजा करवा रहे हैं और घरों में लिखा जाता है सदा कुबेर सहाय, सदा कुबेर सहाय, सदा लक्ष्मी सहाय। ये कुबेर है कौन? कुबेर एक कोषाध्यक्ष है, प्रोविंशियल, सेंट्रल का नहीं है, एक ब्रह्मांड का सबसे धनी आदमी उसको कुबेर कहते। लेकिन ये कुबेर को गवर्न कौन करता है? वो लक्ष्मी के पति। बिंध्य नैंधन पाइये सागर जुरे ननीर, अपरे उपास कुबेर घर जो विपक्ष रघुवीर। तुलसीदास, अगर रघुनाथ जी यानी स्पिरिचुअल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर वो नाराज हो जाए तो कुबेर के यहां भी फाके पड़े, समुद्र में भी एक बूंद पानी न मिले, विंध्याचल पर्वत पर खाना पकाने को लकड़ी न मिले, तो आप लिखते हैं कुबेर सहाय, राम सहाय, श्याम सहाय क्यों नहीं लिखते? जी वो हमारे बाप भी यही लिखते थे, हमारे बाप ने कहा था कि उनके बाप भी यही लिखते थे। ये गधे बाप तुम्हारे जो 10-20 हो गए हैं बीच में, ये गलत काम कोई करे तुम भी करो, तुम्हारे असली बाप तो और थे। अरे विश्वामित्र, भरद्वाज, वशिष्ठ, गौतम, कपिल, कणाद, ये जो बड़े बड़े महापुरुष तुम्हारे गोत्र वाले नेता लोग हैं, इनकी कोई बात हो तो हम आपसे बात करें ना। ये बीच के बाप जो अंगूठा छाप लोगों ने अपना हिसाब कुछ जमा लिया बेवकूफी का, तो आप तो पढ़े लिखे हैं, सोचिए ना गलती क्यों करते हैं। अजी ये तो ठीक है लेकिन ना करेंगे तो, 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 तो क्या तो दुख दुख तो, यानी लक्ष्मी रूठ जाएगी, चली जाएगी, हम दरिद्री हो जाएंगे। क्यों जी? अमेरिका में कोई लक्ष्मी का नाम भी नहीं जानता, पूजा करने की कौन कहे, और वहां अरबपतियों का मोहल्ला का मोहल्ला भरा है, और इंडिया में लक्ष्मी की पूजा करने वाले दिवालिया होते जा रहे हैं रोज। ये लक्ष्मी की पूजा न करने से इतना भय व्याप्त है आपको? लक्ष्मी बिचारी से क्यों तुम पेरते हो माया के साथ? लक्ष्मी तो भगवान की लादरी शक्ति का नाम है। लक्ष्मी तो कहीं पड़ोस से सात फेरे लगवा करके बीवी नहीं बनी है, वो तो अनादि भगवान, उनकी अनादि लक्ष्मी है। तो माया को लक्ष्मी मान लेने तक का दुस्साहस हम लोग कर रहे हैं, इतना संसार में लगाव है।
कि राम सहाय श्याम सहाय लिखने को तैयार नहीं है हम लोग। अरे लिखने में क्या सहाय वहाय होना है, लेकिन मान लो थोड़ी बहुत एक्टिंग रहे तो। इसमें भी कुछ व्यापारी वर्ग बैठे हैं, जरा घर में जाके अपनी लिखे राम सहाय श्याम सहाय, जरा कुछ देर धुक धुक जरूर होगा। हमेशा लक्ष्मी सहाय कुबेर सहाय लिखते थे, अब महाराज जी कह रहे राम सहाय लिखो। बात तो ठीक कह रहे हैं महाराज जी, लेकिन ऐसा है कि ऐसा ना हो कहीं गड़बड़ हो जाए कुछ। महाराज जी का क्या बिगड़ेगा, वो तो कह देंगे भाई तुम्हारा घाटा होना था, हो गया। बड़ा भयंकर रोग है, घोर जड़ मूर्खता जिसे कहते हैं, पराकाष्ठा। सिर भी हिला देंगे, हाँ समझ में आ गया, लेकिन आदत जो है, अभ्यास जो है हमारा पड़ा हुआ, वो हमें उसी ओर फिर आकृष्ट करता है। तो संसार से राग भी न हो और द्वेष भी न हो, ऐसी अवस्था यदि किसी की हो, वह उदासीन अवस्था है। वही अवस्था सत्य वैराग्य की अवस्था है, उसे पहले साधना में परिवर्तित करना है, यानी संसार से मन हटाने की साधना, फिर भगवान में मन लगाने की साधना। ये दो करोगे तो नंबर तीन क्या आएगा, संसार में फिर भाग आया मन। नंबर एक संसार से हटाया, नंबर दो ईश्वर में लगाया, नंबर तीन संसार में हट आया। तो साधक घबराया, ना घबराओ मत, फिर हटाया, फिर लगाया, फिर हट आया। ये अभ्यास वैराग्य, अभ्यास वैराग्य, ऐसा करते करते फिर लगने लगेगा। पहले चाय हमारी इंडिया में फ्री पिलाई गई थी, यहां हमें याद लड़कपन के अपने, हम पुरखों की बात नहीं कर रहे हैं, फ्री चाय पीते थे यहाँ गांव के लोग, फ्री। बाहर के लोग आवे चीनी डाल के बाकायदा बढ़िया ऐसे पी लो, लोग कहे क्या है चाय, चाय क्या होती, अरे पियो तो हाँ मीठी लगती है। और फिर उसके बाद दो पैसा, चार पैसा, छह पैसा, चार आने, आप लोग जानते ही आजकल चाय पीते होंगे। धीरे 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 फिर जब मटेरियल नथिंग, गंदी वस्तुओं में मन का इतना लगाव हो गया कि उसके बिना आप रह नहीं सकते, तब फिर श्याम सुंदर में जब मन लगने लगेगा तो फिर आप कैसे रह सकेंगे, फिर तो रहा न जाएगा। फिर कोई पूछेगा आप श्याम सुंदर से क्यों प्यार करते हैं, तो आप शास्त्र वेद का उत्तर न देंगे, फिर आप कहेंगे अजी हम इसलिए करते हैं कि बिना किए रहा नहीं जाता, कौन खोपड़ा पच्ची करे इसके साथ। सीधा सा उत्तर महापुरुषों का होता है, किसी महापुरुष से कोई पूछे तुम भाई भगवान से क्यों प्यार करते हो, रामकृष्ण से क्यों प्यार करते हो, अजी करते वरते नहीं है, बिना प्यार किए रहा ही नहीं जाता, क्या करे। अब करते वरते नहीं है लेकिन अब क्या करे, बिना किए रहा नहीं जाता, इसलिए करना पड़ रहा है, मजबूरी। जैसे संसार से हटाने में आपको परिश्रम पड़ा, फिर वैसे ही जब लगने लगेगा तो ईश्वर से हटाने में परिश्रम पड़ेगा, और जब लग जाएगा तो फिर ईश्वर से मन हट ही नहीं सकता। संसार से पूरा हट गया, ईश्वर से पूरा लग गया, अब फिर संसार में नहीं आ सकता, क्योंकि वहां आनंद मिल गया, यहां आनंद नहीं था। तो ऐसा वैराग्य जब आपको होगा, संसार से मन हटाने वाला, तब इसके बाद का ईश्वर में मन लगाने और संसार से हटाने के बीच में और भी कड़ियां हैं। अभी संसार से मन हटाया और ईश्वर में लगाया, ऐसा नहीं है, संसार में हटाया फिर ईश्वर में लगाया के पहले और भी है एक कड़ी, दो कड़ी, चार कड़ी, उस कड़ी को जोड़ने के बाद लगाना होगा। वो कौन सी कड़ी है वो कल बताई जाएगी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।